इतिहास के पन्नों से आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में 15 अक्टूबर किस तरह दर्ज हुआ। सन 1542 में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। वहीं सन 1686 में मुगल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार के बाद निर्वासित जीवन व्यतीत करने सेंट हेलेना द्वीप पहुंचे। वहीं सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की प्रसिद्ध नृत्यांगना माता हारी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांसीसी सैनिकों ने गोली मारी। सन 1920 में आज ही के दिन प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर के रचयिता मारियो गेनल्यूगी पुजो का जन्म हुआ। वहीं सन 1924 को अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कुलीज ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। सन 1931 को आज के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। 1932 में टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद यही कंपनी एयर इंडिया कहलाई थी। 1961 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन हुआ। वहीं 1988 में उज्ज्वला पाटिल समुद्र के रास्ते विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 1997 में आज के दिन अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। सन 1998 में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की जस्टिस एम फातिमा को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज के दिन यानी कि 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी दिवस एवं विश्व ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी बातें इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।